जी फिलहाल हम शूट कर रहे हैं जहाँ पे अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड पूरी फैमिली आ जाती है और हमें पता चलता है उसे ब्लड की ज़रूरत है जो ओ नेगेटिव है एंड इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कहाँ से आएगा, सब जगह हमने कोशिश कर ली है। फाइनली झनक आती है एंड फॉर्चुनेटली शी इज़ ऑल्सो ओ नेगेटिव एंड शी इज़ वो बोलती है कि अब मैं दूंगी, हालांकि हम में से कोई नहीं चाहता। बट कई बार होता है ना कि आप ना चाहते हुए भी, व्हेन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लाइफ में भी आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो ना चाहते हुए भी एज अ पेरेंट तनुजा और शुभो को जनक की हेल्प लेनी पड़ती है कि आप दे दो भाई ब्लड मेरे बेटे के लिए। जी हमने तो यही बोला है, लाइक अर्शी वॉज ऑल्सो वेरी पेट्रीफाइड, उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसे यहाँ देखकर कि आज के बाद तुम कभी वापस अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी, पर ये हो ही चुका है कई बार, फिर वो वापस आ जाती है। वही आई हैव अ वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ स्पेंडिंग वैलेंटाइंस डे विद माय गर्लफ्रेंड। जब हम कॉलेज में थे हम सब ने एक दूसरे के लिए कुछ गिफ्ट्स ली थी एंड हम मूवी गए थे देखने, वी हैड डिनर। तो आई थिंक वो टाइम अब वापस तो नहीं आएगा बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर लाइफ एंड ऑफकोर्स आपके पार्टनर जो है आप तो उनके साथ रह ही रहे हो एंड यू आर मेकिंग मेमोरीज नॉट ओनली ऑन वैलेंटाइंस डे, एवरी डे लाइक यू आर लिविंग योर लाइफ। बट वो जो फ्रेंड्स के साथ, जो मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया था, आई विश आई कुड रीलिव इट एंड आई होप अगर ऐसा कोई मौका मिला देन अगेन आई विल प्लान। जी मुझे एक कमेंट आया है रिसेंटली, मैंने अभी कुछ स्टोरी पोस्ट की थी या फिर शायद हिबा के पोस्ट पर मैंने लिखा था ये लड़की, तो उसी पर किसी ने लिखा आपने कभी शो में उसका नाम, उसके नाम से कभी उसे बुलाया है? मैंने बोला नहीं बुलाया है, हमेशा ये लड़की, तो जैसे मैं ग्रोसरी मार्केट भी जाती हूँ तो वहाँ पर लड़कियाँ बोलते ए लड़की, ए लड़की मैडम बोल के बताओ, तो आई थिंक दैट ए लड़की इज़ रियली डूइंग गुड। हाँ मैं बोलती हूँ ए लड़की, तो वो उनकी भी चलती रहती है, हम भी मैडम आते हैं ना सुबह तो हम यही बोलते हैं लड़की है लड़की। एंड ट्रस्ट मी कई बार आप ना एक कैरेक्टर प्ले करते करते आपकी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है, तो कई बार अभी मैं इनको अरे लड़की आ जाना तो बताइए यार तू मुझे क्यों लड़की बोल रही है, एंड इट इज़ अनइंटेंशनली, मतलब मैं ना चाहती हूँ, मतलब अरे यार लड़की चलना बैठ जाओ, तो अरे यार मतलब गेट आउट ऑफ द कैरेक्टर, बट इट्स नॉट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर, आपको एक आदत से बन जाती है, तो फिलहाल ये लड़की इज़ बिकम माई हैबिट। जी प्लीज़ आप सभी लोग हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड हमारे शो स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्टेड है, हमें कई बार तो खुद नहीं पता होता है कि अगला क्या हो रहा है, बट वी आर एंजॉइंग डूइंग आर शो एंड अगर हमें और मोटिवेशन मिलती है लोगों से, ऑडियंस से भी एक्सेप्टेंस मिलती है तो और अच्छा लगता है एंड एक वो एंथुजियाज्म और बढ़ जाती है कि नो वी हैव टू डू इवन मोर बेटर। सो प्लीज़ कीप लविंग आर शो एंड कीप loving lots and lots of love. Hi glitter and glamour, here's wishing you all a happy valentine's day. Please make sure ki aap apne loved one ke sath bahut sara time spend kijiye, acha time spend kijiye and khoob sara pyar bana rahe aap logo ke beech mein, and this is Kajal Pisal signing off. Thank you.